बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों। दोस्तों तुसी देख रहे हो कि देखने तो एक सफ़ेद पाउडर है, लेकिन इस सफ़ेद पाउडर जरा है इसका नाम है बारह सिंगा कुश्ता, यानी कि कुश्ता बारह सिंगा। बारह सिंगा एक जानवर है चौपाया, यानी कि चार टंगा वाला, चार टांगे वाला, चार लत्तां वाला। जो कि आम मशहूर है और गोश्त उसका वो इस तरह ही होता है कि जिस तरह एक बकरे का होता है। और इस तो अलावा जरा तुसी देख रहे हो यह कुश्ता जरा ये सिर्फ और सिर्फ उनके सींग का बनाया जाता है, जो उसके ऊपर सींग होते हैं ना, ये कुश्ता सिर्फ उसी का बनाया जाता है। और दोस्तों जरा कि इस जानवर का गोश्त होता है वो हल्का जहा नमकीन होता है और तासीर उसकी बहुत गर्म और खुश्क होती है। और वो देर हजम होता है, यानी कि जल्दी हजम नहीं होता। और उसका गोश्त जरा है देर हजम की वजह तो सौदा पैदा करता है, यानी कि जिहड़ी चीज़ मेदे दे विच ज़्यादा खड़ी देर खड़ी रहिंदी है वो सदाई मर्ज़ पैदा करती है। और जो आदमी जो बंदे यानी कि ठंडी तबीयत दे होंदे ने, यानी कि सर्द मिजाज वाले होंदे ने, उन्हां नूं उन्हां दी बाह नूं यानी कि उन्हां दे वास्ते कुव्वत बाह उन्हां वास्ते ज़्यादा ताकत दे हुंदा है, उन्हां नूं बहुत अच्छा फायदा करता है। और अगर इस तरह ही कि लेडीज़ दी जिसकी ठंडी तबीयत होएगी उसनों हैज के दौरान माहवारी के दौरान रोकने वास्ते दिता जाए तो उस दे वास्ते भी बेहतर होंदा है। और एक कुश्ते की मशहूर चीज़ है कि अगर नमोनिया की कसर बच्चे नूं हो जाती है तो एक कुश्ता बिल्कुल बारीक बना के इनू शहद दे विच मिक्स करके वो बच्चे नूं खिलाया जाए तो बच्चे दी नमूनिए दी कसर जड़ी है वो जांदी रहिंदी है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाती है। और नमूनिए दी कसर भी ठीक हो जाएगी, नमूनिए दी वजह दे नाल अगर पसली दे अंदर बच्चे नूं दर्द होंदी है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाती है। अगर नमूनिए दी दर्द किसी वड्डे ने भी बड़े आदमी ने भी हो रही होवे तो वो ए दो कख का मतलब होंदा है कि दो चावल दे बराबर जिनी खुराक मनक्के दे विच रख के दुध पत्ती दे नाल बड़े आदमी नूं खिलाई जाए और इस दे खान दे नाल उस दी पसली दी दर्द भी बेहतर होएगी और बेहतरीन ताकत दे चीज़ भी है। और इस दे नाल जिहड़ी उस सर्दी की शिकायत जिहड़ी हैगी है, ठंड की शिकायत, नमूनिए की शिकायत और इंशाल्लाह वो इंदे नाल बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसका जरा गोश्त है वो तुहानू मैं बाद विच दसदा हां कि लेकिन वो जरा ये जरा कुश्ता है बारह सिंगा
इनू और जरा इनू किस तरीके दे नाल खाना चाहिदा है। एक तरीका तो तुहानू मैं दस्या बच्चियां वास्ते शहद विच मिला के, इस तो अलावा अगर उनू बच्चे नू चाय दे विच भी मिला के इस्तेमाल करवाया जावे तो उस दे वास्ते वो भी अच्छा है, बेहतर है, फायदेमंद है। अगर चाह तो इलावा छोटे बच्चे नू अगर देना है तो उसकी वालदा यानी कि बच्चे की माँ दे दूध विच मिक्स करके तो बच्चे नू पिलाया जावे, उस दे नाल भी बच्चे नू बहुत जल्द शफा होएगी, इंशाल्लाह वो बच्चा बहुत जल्द सेहतयाब होएगा। और इस तो इलावा अगर बड़े आदमी ने इस्तेमाल करना है तो उनके वास्ते तो इस तरह के तुहानू मैं पहले दस्या है कि एक तो मनक्के दे विच रख के इस्तेमाल कर सकता है। बड़े आदमी वास्ते अगर वो शहद विच मिला के इस्तेमाल करे, बड़े आदमी वास्ते भी वो शहद जे विच इस्तेमाल किया होया भी बहुत बेहतर है, बहुत फायदेमंद है। अगर इन दोनों चीज़ों तो इलावा बड़े आदमी नू भी अगर दुध पत्ती दे नाल दो कख, बच्चे छोटे नू एक कख देना है और बड़े आदमी नू दो कख देना है, यह चीज़ ज़हन च रखनी है कि ज़्यादा मकदार नाल ये नहीं खिलाना क्योंकि इनकी तासीर गर्म ज़्यादा होती है, फिर उस दे नाल तलखी भी हो जाती है कि मकदार इसकी इन्नी सिर्फ होनी चाहिए है कि छोटे बच्चे वास्ते एक कख, ज़्यादा तो ज़्यादा दो टाइम सुबह शाम, और बड़े आदमी वास्ते दो कख और उसनों भी ज़्यादा तो ज़्यादा दो टाइम इस्तेमाल करवाना है। और इस्तेमाल करवाने का तो तरीका तुहानू मैं दस चलिया दस्या है कि वो मनक्के दे विच बड़े आदमी नू इस्तेमाल करवाया जा सकता है, दुध पत्ती नाल भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, कल्ले दुध नाल भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इस तो इलावा शहद दे विच भी मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों देखो अल्लाह ताला ने एक जानवर दे एक सिंग दे विच इन्नी इन्नी शफा रखी है कि अल्लाह ताला दी जात दा एक करिश्मा है, कमाल है। और इस दी ये जड़ा जानवर है बारह सिंगा है, सियाना दा ये कहना है कि इसकी जी दुम है उसकी दुम का गोश्त खाना जरा ना वो ज़्यादा मुनासिब नहीं होंदा कि वो उस दे नाल एक तलखी ज़्यादा होंदी है, गशी का लफज एक बोलिया जाता है कि वो ज़्यादा हो जाती है यानी कि वो तलख ज़्यादा होंदा है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा इसका जोड़ा इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ ए कुछ तो बारह सिंगा जोड़ा यही उनका ज़्यादा इस्तेमाल है कि ये बच्चों वास्ते भी एक कख और बड़िया वास्ते दो कख और ज़्यादा तो ज़्यादा दो टाइम। और दोस्तों देखो कि अल्लाह ताला ने एक एक जानवर दे विच केड़ियां केड़ियां शिफावां भी रखिया और एक एक जड़ी बूटी दे विच की शिफावां रखिया ने। तो देखो एक यह जानवर है, हालांकि बाकी जानवर साढ़े पालतू जानवर घर के होंगे ने जिन्हों के सिंग एवें जाया ही होंगे ने, लेकिन देखो एक ये जानवर है अल्लाह ताला ने उसके सिंगां दे विच एक सिंग दे विच किन्नी किन्नी शिफा रखी है, ये अल्लाह सोने की शान है। दोस्तों उम्मीद है कि तुहानू वीडियो अच्छी लगेगी, बल्कि लगी होएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने वास्ते सब्सक्राइब करियो और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो तुहाडी दुआवां नाल असीं होर अपलोड करते रहांगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल फिर हाज़र होवांगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।